नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन बड़ियाल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू संभाग के जिला रियासी के सुजगर गांव में सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, 3 घायल। बारामूला में लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर। भाजपा ने गगन भगत को जारी किया अवमानना नोटिस, छवि खराब करने का आरोप। और 40 घंटे बंद रहने के बाद खुला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। अब समाचार विस्तार से। रियासी के सुंजदर गांव में कल हुई सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना गुरुवार देर रात को पेश आई। घायलों को रियासी जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफर किया गया, जहां उनका इस समय इलाज जारी है। जम्मू संभाग के जिला रियासी के सुंजदर गांव से देर रात 1 बजे वापस लौट रही मारुति कार तामस गली इलाके में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में करीब 10 लोग सवार थे, सभी शादी से वापस घर लौट रहे थे। इस हादसे में मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों व घायलों को खाई से बाहर निकाला गया। घायलों को रियासी जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बरात कला बारामूला में लश्कर के 2 आतंकवादियों को करीब 16 घंटे के अभियान के बाद वीरवार की सुबह मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकी स्थानीय हैं। इस बीच प्रशासन ने आतंकवादियों की मौत के बाद पैदा हुए तनाव को देखते हुए सोपोर और उससे सटे सभी इलाकों में शिक्षा संस्थानों व इंटरनेट सेवाओं को अगली सूचना तक बंद करते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में एहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी। लेकिन आतंकी समर्थक तत्वों और सुरक्षा बलों के बीच दिन भर हिंसक झड़पों में 5 लोग जख्मी हो गए। इसी बीच आतंकवादियों की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शरारती तत्व भी भड़काऊ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू किया। सुरक्षा बलों ने पहले तो संयम बनाए रखा, लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्होंने लाठियों और आंसू गैस का सहारा लेते हुए हिंसक तत्वों को खदेड़ने का यत्न किया। निष्कासित किए गए पूर्व विधायक डॉ. गगन भगत को प्रदेश भाजपा ने अवमानना नोटिस जारी किया है। एडवोकेट परिमोक्ष सेठ के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और महासचिव संगठन अशोक कोल ने डॉ. गगन भगत को कानूनी नोटिस जारी करते हुए सार्वजनिक छवि को खराब करने के मकसद से आपत्तिजनक और बेबुनियाद आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 12 दिसंबर को निष्कासित पूर्व विधायक डॉ. गगन भगत ने पत्रकार वार्ता कर बेबुनियाद आरोप लगाए। भगत को अनैतिक व्यवहार के चलते राज्य भाजपा की अनुशासन समिति की सिफारिश से 3 महीने के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था। इसके बावजूद वे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। इसके बाद भाजपा ने डॉ. गगन भगत को पार्टी की प्राथमिक सदस्य से भी निष्कासित कर दिया। कश्मीर को सड़क मार्ग के जरिए देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 40 घंटे बंद रहने के बाद यातायात के लिए पुनः खोल दिया गया। यातायात बहाल होने के बाद रामबन व आसपास के स्थानों पर रोके गए वाहनों को घाटी के लिए रवाना किया गया, जबकि उधमपुर व अन्य स्थानों पर रोके गए लगभग 2500 वाहन अभी फंसे हुए हैं। बुधवार को जवाहर टनल के पास बर्फबारी व हाईवे में कई स्थानों पर बारिश व पसियां गिरने के दोनों तरफ से वाहनों का संचालन एहतियातन रोक दिया गया। दूसरी ओर बुधवार से रोके गए यात्री काफी परेशान दिखे। सबसे ज्यादा परेशानी कश्मीर जाने वाले पर्यटकों को ही। वे कड़ाके की ठंड के बीच छोटे छोटे बच्चों के साथ रात भर परेशान हुए। रियासत के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में वीरवार दोपहर जमकर बर्फबारी होने से ठंडक में इजाफा हो गया। कश्मीर के अलावा जम्मू संभाग के पत्नीटॉप, नत्थाटॉप, सनासर, भद्रवाह आदि क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है। किश्तवाड़ से पीडीपी के एमएलसी फिरदौस टाक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नवंबर में परिहार बाइयों की हत्या किसी धर्म की नहीं बल्कि मानवता की हत्या थी। वहीं 12 नवंबर को किश्तवाड़ पुलिस तथा एनआईए के अधिकारियों द्वारा करीब 150 लोगों की गिरफ्तारी के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि काफी लोगों को बेवजह परेशान किया गया।
विभिन्न राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि चुनावों के नज़दीक आते ही किश्तवाड़ में तनाव का माहौल बन जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें बंकर निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जहां भी बंकर होते हैं ऐसे क्षेत्र अक्सर हमले का शिकार होते हैं। देखिए, किश्तवाड़ में 1 नवंबर 2018 को एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें हमारे एक भाई अनिल बरिहार जी, जो एक सियासी जमात से काफी देर से वाबस्ता थे, और उनके एक भाई जो वहां पे बिजनेस करते थे, उनकी एक बहुत ही पुरसार हालात में हलाकत की गई। आज 1.5 महीने का वफा गुजर चुका है। किश्तवाड़ और किश्तवाड़ की आवाम ने बार बार ये बात जाहिर की है कि परिहार बरादरान की हलाकत किसी कम्युनिटी की हलाकत नहीं थी, किसी परिवार की हलाकत नहीं थी, बल्कि वो गोलियां किश्तवाड़ के हर बच्चे के सीने पे चलाई गई। किश्तवाड़ के हर उस शख्स पे चलाई गई जो आपसी भाईचारा, मजहबी रवादारी, कम्युनल हारमोनी पे भरोसा करता है। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि दोनों कम्युनिटीज ने मिलकर न सिर्फ इसका खंडन किया, बल्कि हड़तालें की गई, प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए, और वक्तन फवक्तन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे किश्तवाड़ में आए, उनसे जितनी भी मीटिंगें हुई, उन मीटिंगों के दौरान हर शख्स ने, हर जमात ने, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, ट्रेड यूनियंस हो, हर एक शख्स ने यही बात रखी कि ये कत्ल जो है इंसानियत का कत्ल है, और ये कातिलों को जो है बाहर निकालना बहुत जरूरी है। मिलिटेंसी इस एरिया में रिवाइव हो, और मिलिटेंसी रिवाइव करने के पीछे मकासद क्या है वो ना आपके आपसे छुपे हैं, ना हमारे हमसे छुपे हैं। किश्तवाड़, अगर आप भी ये जानते हैं, किश्तवाड़ एक मखसूस जमात की फैक्ट्री बनी हुई है। आप 2008 से पहले देख लीजिए, 2008 के इलेक्शंस थे, 2007 में किश्तवाड़ में कम्युनल राइट्स करवाए गए, 2014 में पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शंस आने वाले थे, 2013 में दंगे करवाए गए, और आज फिर से इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो किश्तवाड़ में दंगे करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या हमें नहीं मालूम कि हमारी वजीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी ने किन किन मरहल पर ऐसे अजाइम को रोका और ऐसे अजाइम को कामयाब नहीं होने दिया कि जहां पे इखवान जैसी फोर्स को दोबारा कायम करने के लिए कोशिश की जा रही थी? क्या हमें नहीं मालूम कि दिल्ली में जाकर, होम मिनिस्ट्री में जाकर कौन रोना रो रहा था कि आप हमें इजाजत दीजिए, हमें मिलिटेंसी का नॉलेज है, हम एंटी मिलिटेंसी में काम कर चुके हैं, हमें इजाजत दीजिए, हम कश्मीर की मिलिटेंसी और चुनाव खित्ते की और राजौरी पुंछ की मिलिटेंसी खत्म करें, बंकर बनेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे मुझे कोई आय प्राप्त नहीं। किश्तवाड़ में बंकर जब पहले थे बहुत मुश्किलों से, क्योंकि मिलिटेंसी नहीं है, देयर इज 0% मिलिटेंसी इन खित्ता चुनाव। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर एज पर द आर्मी इंटेलिजेंस, आर्मी पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसीज, देयर इज 1 surviving militant in entire Chenab Valley, and that he is said to be 65 year old। उसको काउंटर करने के लिए आपको बंकर लगाने की जरूरत है? आप सीसीटीवी लगाइए ना, हम पैसा, मैं सीडीएफ में से पैसा देने के लिए तैयार हूं, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जब आप बंकर बनाते हैं, आप जिस जगह बंकर बनाते हैं उस पूरे इलाके को प्रोन रखते हैं आप मिलिटेंसी ऑपरेशंस के लिए। कोई आके ग्रेनेड मार दे, कोई आके कुछ करे, हमने पहले भी देखा है, जहां जहां बंकर हुए, बंकर पे अटैक हुए, बंकर को कुछ नहीं हुआ, लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। पीडीपी के एमएलसी फिरदौस डाक को आज उस समय राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया जब वो प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। किश्तवाड़ में कथित तौर पर उनकी ओर से विवादास्पद बयानबाजी के बाद राष्ट्रीय बजरंग दल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्हें घेर लिया तथा जोरदार
विरोध प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले चार बंदूक की वहाँ पर हत्या हुई थी, आतंकवाद वहाँ पर पनप रहा है और आतंकवाद से वहाँ के लोग जूझ रहे। पिछले दिनों आपने सुना भी होगा कि दो आतंकवादी को अलग अलग ग्रुपों के वहाँ पर कमांडर जो है वो पकड़े गए हैं, कुछ उनके कुछ कार्यकर्ता भी पकड़े गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये व्यक्ति वहाँ पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, ऐसी भाषण देता है जिससे किसी भी टाइम सांप्रदायिक तनाव हो सकता है और हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई सांप्रदायिक तनाव वहाँ पर हमारे लोग हमेशा जूझते हैं इस तरीके से। वहाँ के लोग देखिए, वहाँ पर हमारे लोग अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर बार बार प्रहार किए जाते हैं, बार बार उनको दबाने की कोशिश की जाती है, हम ये कभी सहन नहीं करेंगे। अपने लंबित वेतन के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कटरा के पीएचई कर्मी ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसे लगभग 80% जली हुई हालत में जीएमसी में भर्ती करवाया गया। इसी के मद्देनजर आज पीएचई के कर्मियों ने रोष व्यक्त किया। पत्रकारों के माध्यम से पीएचई कर्मियों ने कहा कि अगर जल्द ही उनकी समस्या को दूर नहीं किया गया तो वो लखनपुर से कश्मीर तक उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। जानते हैं कि रात कटरा में हमारा डेंजर साथी जिन्होंने रात को अटैम्प्ट करने की कोशिश की और रात को करीब 11:30 बजे उसको यहाँ पे इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया, लेकिन अफसोस की बात है डिपार्टमेंट ने अभी तक कोई भी पहल, कोई मदद की पहल नहीं दिखाई है। तो ये लोग जो डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं दिन रात और 15-20 साल ये लोगों को जम्मू कश्मीर के आवाम को पानी पिला रहे हैं और आगे पिलाते आ रहे हैं, लेकिन ना ही इनको मजदूरी दी जाती है और पैसा ना आने के कारण, वेजेस ना आने के कारण, घर में क्लेश की वजह से जो इनने आत्महत्या की कोशिश की और लगभग 80% लड़का जो जल चुका है, मैं वो वीडियो या फोटो वायरल फेसबुक पे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट को बताना चाहता हूँ कि हमारे सब्र का और इम्तिहान न लो। अगर आपने आने वाले जो बजट पेश किया है, अगर इसमें डिलीवरीज के लिए आपने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं रखा तो हम लखनपुर से लेके कश्मीर तक सेशन का पूरा क्लीन स्वीप कर देंगे। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। आप कहते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल और फॉर द पीपल, मैं कहता हूं बाय द पीपल है लेकिन फॉर द पीपल कहां पे है? आज 3 वक्त की रोटी के लिए आज हमारे डिलीवरीज, आज हमारे गरीब लोग, आज हमारे डिपार्टमेंट के लोग तरस रहे हैं, लेकिन उनको 3 वक्त की रोटी दी जाती है। और 565 करोड़ का बजट जो कल पेची डिपार्टमेंट के लिए कामों के लिए पेश किया गया, उनके जो कामों के लिए स्टेशनों के लिए पैसा है लेकिन मशीनरी को चलाने के वालों के लिए आपके पास सैलरी नहीं है, क्योंकि उन्हें 25-30% कमीशन तमाम अफसर को मिलती है लेकिन जो गरीब की सैलरी है उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जिम्मेवारी के साथ आज मीडिया में ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लिए जो वेजेस का प्रावधान वो नहीं रखा गया और 1520 को फास्ट ट्रैक पर तेज नहीं किया गया, जम्मू के हालात खराब होंगे, तो उसकी पूरी जिम्मेवारी अब एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और हमारे चीफ इंजीनियर साहब की होगी और गवर्नर इंतजामिया की होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद गुलाम नबी आजाद को बेस्ट सांसद सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें ये सम्मान देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिया। आजाद सहित कुल 8 सांसदों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। बदरवा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गुलाम नबी आजाद वर्ष 2005 से लेकर 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। इस समय कांग्रेस पीडीपी के साथ गठबंधन में थी। आजाद 2009 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार में हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। सम्मान समारोह में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी और शरद पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट आवाज से नवाजा गया। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए एसएसबी की ओर से बहुफोर्ट में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। 7th बटालियन के कमांडेंट ने पत्रकारों के माध्यम से कहा कि बावे क्षेत्र में स्थित काली माता मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं, इसलिए स्वच्छ भारत की छवि स्थापित करने के लिए इस तरह के अभियान भविष्य के लिए शुरू किए जाएंगे। महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से नेताओं का किनारा करना जारी है और इसी श्रृंखला में एक और नेता ने पार्टी से किनारा कर लिया। उरी से जाने माने नेता राजा एजाज अली खान ने अपने सैकड़ों वर्करों के साथ पार्टी छोड़ दी। खान ने कहा कि पार्टी के वर्कर और ब्लॉक प्रधान ने भी पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है और उन्होंने इसके चलते पीडीपी को छोड़ दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि होना बाकी है, पर शायद ये लोग सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ शामिल होंगे। जब से पीडीपी में फूट पड़ी है तब से नॉर्थ कश्मीर में सजाद लोन का होल्ड मजबूत हुआ है।
आरएसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों ने जल्द नहरों में पानी छोड़ने की मांग संबंधित विभाग से की है। किसानों का कहना है कि मौजूदा समय में उन्हें नहरी पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन विभाग द्वारा नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा। इस संबंध में किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में किसान गेहूं की व पशुओं के चारे की बिजाई कर रहे हैं, लेकिन नहरों में पानी ना होने के चलते किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द नहरों में पानी छोड़ा जाना चाहिए। जिमीदार बंदे हैं, किसान बंदे, सानू पानी की प्रॉब्लम है। सारे स्टाले राज स्टाले नहीं हो रहे, अगू मसाला कणक राज कणक भी सानू पानी की जरूरत है। इस टाइम सानू पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसान लोगों अगर फसल पानी ना ही होंगे सारा, ठीक है नी, तो मेहरबानी करके सानू पानी दिता जाए, क्योंकि अगे अगे पट्ठे पानी लाइए, कणक पानी लाइए, महीना महीना हो कणक राज करते हो। हाँ जी, मांग है अभी पानी छड़ना चाहिए ना। जे जो आप देख रहे हो हमारी नहर की हालत क्या है, आज किसान को पानी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो बरसीन बीजा गया है उसके लिए बहुत ज़रूरत है, और ये गेहूँ की बिजाई हो रही है, कहीं नहीं पानी लगा वहाँ जगह सूख गई तो उसको पानी लगाना, और जो गेहूँ उग गई है उसके लिए पानी की ज़रूरत है। तो इस तरफ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ध्यान नहीं दे रही। हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी इसमें पानी फुल नहीं छोड़ा जाए, थोड़ी कैपेसिटी में छोड़ा जाए, पानी आना चाहिए। पानी आने से लोगों का फसल का जो टाइम है तो वो फायदे में रहेगा, नहीं तो ये चारे के लिए क्या करेंगे लोग। हमारा बरसीन जो होता है जो मवेशियों को देते हैं चारा, वो नहीं होगा। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि जल्दी से जल्दी नहर में पानी छोड़ा जाए तो ताकि लोगों को फायदा हो सके। जम्मू में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने को लेकर अब हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से स्टेडियम हेतु जमीन मुहैया करवाने को कहा है। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस संजय कुमार की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। ये PIL एडवोकेट दिवाकर शर्मा द्वारा दायर की गई है। अदालत ने राज्य प्रशासन को एक सप्ताह का समय दिया है। एडवोकेट शर्मा ने कहा कि इस संदर्भ में 100 करोड़ की राशि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को जारी की गई थी ताकि बजालता में संबंधित स्टेडियम का काम शुरू किया जा सके। बेंच ने पाया कि BCCI ने इस संदर्भ में आर्किटेक्ट की रिपोर्ट हासिल की है और ये यथोचित जमीन की तलाश कर रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संरक्षक मनोनीत होने के बाद सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग ने अपने पार्टीजनों के संरक्षण की भूमिका को पूरी तरह निभाने का संकेत देते हुए उनकी सुरक्षा में कटौती पर एतराज जताया। उन्होंने राज्यपाल सत्यपाल मलिक को पत्र लिखकर PDP के सभी नेताओं और पूर्व विधायकों को सुरक्षा कवच से पहले जैसा मजबूत बनाने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए कहा। गौरतलब है कि बागी तेवर अपनाने वाले मुजफ्फर हुसैन बेग गत दिनों ही पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा पार्टी के पूरी अहमियत दिए जाने का यकीन दिलाने के बाद PDP की संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय हुए हैं। वार्ड नंबर 10 के पार्षद अनिल मासूम और भारतीय जनता पार्टी के जनरल सचिव युद्धवीर सेठी ने पक्काडंगा क्षेत्र का दौरा किया। अपने दौरे के मद्देनजर BJP महासचिव ने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द उन्हें दूर करने के प्रति प्रतिज्ञा व्यक्त की। जो पक्काडंगा एसोसिएशन है और यहाँ के जो नज़दीक के जो घर हैं, सारे रेजिडेंट्स हैं, आज इनके कहने पे यहाँ पे आज एक राउंड लगाया गया। मेरे साथ यहाँ के हॉनरेबल कॉर्पोरेटर निमसुम जी भी हैं, यहाँ के अध्यक्ष और महामंत्री, पूरी टीम यहाँ पे है। जिस प्रकार से गली के अंदर किस कुछ जगह तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जो थड़े बने हुए हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थड़े अगर तोड़ेंगे तो नालियाँ पूरी साफ़ हो सकती हैं। दूसरा, जो यहाँ पे पार्क है, जो यहाँ पे पक्काडंगा के अंदर जो उसकी लाइट्स ख़राब हैं, वो भी हमने बोला कि जल्द से जल्द ठीक करा देंगे। सुलभ शौचालय है, उसके अंदर जो सीट्स वगैरह वो टूटी हुई हैं, वो भी हमने अफसर से रिक्वेस्ट की है कि वो ठीक कराएंगे। सारे यहाँ पे हेल्थ ऑफिसर सारे आए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद जो एक टूर हमारा ये हनुमान गली है, यहाँ पे एक जो खंभा लगा हुआ है वो खंभा एकदम टेढ़ा हो गया, जिससे इतना रिस्क हो गया है कभी भी वो खंभा गिर सकता है, और उसके ऊपर इतना लोड है कि कभी भी कि वहाँ पे जान मान की हानि हो सकती है। वहाँ भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से AEE और JEE वगैरह बुलाए हुए हैं, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो छोटी छोटी समस्याएं इन मुल्लों की वो हम पूरी करें। पैंथर्स पार्टी अर्बन की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों के माध्यम से जिला प्रधान राजीव महाजन ने माननीय राज्यपाल से अपील करते हुए प्रधानमंत्री के वन टैक्स वन नेशन के सपने को सच किए जाने की बात कही।
कि जैसा कि आप जानते हैं कि दो दिन पहले आदरणीय गवर्नर साहब ने अपनी डेवलपमेंट्स पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बताई कि जब से मैं आया हूँ मैंने ये डेवलपमेंट्स की हैं। मैं गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि लखनपुर के अंदर जो कि हमें हर चीज़ के ऊपर टोल टैक्स देना पड़ रहा है, सिर्फ आटा दाल और चावल को छोड़कर, सीमेंट हो, सरिया हो, कपड़े हो, मसाले हो, ड्राई फ्रूट हो, इन सब चीज़ों पर आज की डेट में भी टोल टैक्स लिया जा रहा है लखनपुर में। मैं गवर्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ आप इनसे टोल टैक्स, इन चीज़ों पर टोल टैक्स को यहाँ से हटा दें, यही मेजर डेवलपमेंट है आपकी। और 19 तारीख को जैसे कि प्रेसिडेंट रूल जम्मू कश्मीर में लगने वाला है, उससे पहले पहले आदरणीय गवर्नर साहब इसका डिसीजन ले, लखनपुर से टोल टैक्स को हर चीज़ पे हटा दिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के जो 93% जनता है जिनके ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है इस टोल टैक्स की वजह से, क्योंकि हम लोग टोल टैक्स भी दे रहे हैं हर चीज़ के ऊपर और GST भी दे रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। अगर टोल टैक्स हट जाता है तो हमें एक सीमेंट का बैग कोई ले लीजिए आप, अगर पठानकोट में वो बैग 360 रुपए का बिकता है और जम्मू के अंदर वही बैग 460 रुपए का बिक रहा है। इसका रीजन है कि लखनपुर पर जो टोल टैक्स लगाया जा रहा है, अगर वो टोल टैक्स हट जाता है तो जम्मू के लोगों को भी वो सीमेंट का बैग 370, 80 या 90 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि वहां से जो कैरेज पड़ती है उसी का फर्क पड़ेगा। बाकी जो टोल टैक्स हटने से जम्मू की कश्मीर की जनता को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। वार्ड नंबर 51 से पार्षद राजकुमार की देखरेख में 5 लाख की लागत से लेन ड्रेन का कार्य शुरू किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लेन ड्रेन के इस कार्य के बाद वार्ड नंबर 51 में लोगों को रुके हुए पानी की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जड़ा इलाका साढ़ा जिसका सारे काम शुरू कराया, एक तकरीबन काम की अमाउंट है जी 5 लाख के करीब है। ये सारे का सारा पानी जो उपरला सा कलोनी का जो महल खट बार महल जो है इसी रोकने वास्तै वार्ड नंबर 51 का इसी रोकने वास्तै असें पानी जो इधर कर लेंगे मेन रोड उपर जी बड़ी नाली है उस तक मिला लगे, क्योंकि इस पानी के कारण सारिया रोड डैमेज हुई थलें, गलियां भी डैमेज हुई, लोगों बच्चे आने जाने बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है। ट्रांसपोर्ट नगर में लेन ड्रेन के कार्य ना के बराबर होने से चलते लोगों में खासा रोष है। आज पत्रकारों के माध्यम से JNK ट्रांसपोर्ट मोटर कंपनी एसोसिएशन के प्रधान गजन सिंह ने कहा कि इस संबंध में कई बार प्रशासन को सूचित किया गया परंतु आश्वासन के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने इस क्षेत्र से लेन ड्रेन की समस्या जल्द हल किए जाने की बात कही। आज यहां हमने प्रोटेस्ट किया है कि हमारे ट्रांसपोर्ट नगर निर्वाल की सड़कों की लेन की ड्रेन की ये हालत है कि कोई देखने लायक नहीं है। हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से इसका मुतालबा किया लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। हम आज के जो एडवाइज़र हैं जनाब खुर्शीद गनई साहब उनके पास भी गए, उन्होंने डिविजनल कमिश्नर साहब को लिखा लेकिन आज तक किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। और आज हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल है ये हब है ट्रांसपोर्ट का, इसमें से जितना टैक्स जाता है जितना रेवन्यू जाता है उतना कहीं से नहीं आता, लेकिन इसकी ये हालत है कि जो देखने लायक नहीं है। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं को जे अपने ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल की तरफ तवज्जा दें और एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्ट करें कि नरवाल की जो हालत है रोडों की, गलियों की, लेन की और ड्रेन की, उसकी तरफ तवज्जा दी जाए। ये हमारी गवर्नर साहब से अपील है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आज कठुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष GM शाहीन मुख्य तौर पर उपस्थित थे। ये कार्यक्रम प्रांतीय अध्यक्ष नागेश्वर सरमाल की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि वो पंच व सरपंचों का पार्टी में स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भाजपा और PDP सरकार ने जम्मू कश्मीर में हालात पैदा किए हैं वो बहुत ही भयानक है। इसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ जो करप्शन का केसेस जो चल रहे थे अभी भी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक आदमी तो रिज़ाइन देकर ही चले गया, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मामला क्या है। हद तो इतनी है कि गवर्नमेंट को देने के लिए अब रहा भी कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए खजाना खाली हो चुका है, आपकी CRPF की अगर 500 बटा लेने हैं 400 नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP वालों को प्रोटेक्ट कर रही है, तो इस मामला को ठीक करना गवर्नमेंट साहब के लिए एक चैलेंजड काम है। लेकिन अच्छे इंसान है, नेक इंसान है,
जरूर हम मानेंगे आने वाले दिनों में कामयाब होंगे। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने गत दिवस राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार केवल कृष्ण शर्मा से मुलाकात की। इस अवसर पर मेयर ने सलाहकार को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पुनर्निर्माण, कॉन्ट्रैक्टुअल कर्मचारियों को नियमित किए जाने जैसे विभिन्न मामलों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। राज्यपाल के सलाहकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे इन सभी मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करेंगे। पैंथर्स पार्टी के युवा नेता पवन देव सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों के माध्यम से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि रामनगर के पूर्व विधायक आरएस पठानिया झूठी वाहवाही बटोर रहे हैं। इस विषय पर उन्होंने पत्रकारों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जो बजट मंजूर रामनगर के लिए किए हैं, इसके लिए हम थैंक्स करना चाहते हैं गवर्नर साहब का, और इसके साथ साथ मैं बीजेपी के एक्स एमएलए आरएस पठानिया जी को ये कहना चाहता हूं कि जो आप झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हो कि ये प्रोजेक्ट मैं लाया हूं, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जब 4 साल आप एमएलए रहे तो आपने कितने प्रोजेक्ट रामनगर के लिए लाए? एक सिंगल प्रोजेक्ट वो बता दें जो उन्होंने रामनगर के लिए लाया है, जो था वो भी रामनगर में नहीं रहा। और झूठ बोलना इनका जन्म अधिकार है। जब ये कांग्रेस में थे तो तब भी ये यही बोलते थे, जब हाईस्कूल गर्ल्स हाईस्कूल हाई सेकेंडरी बना तो इन्होंने बोला मैंने बनाया, जब दिहाड़ी में बना इन्होंने बोला मैंने बनाया, मझोड़ी में बना इन्होंने बोला मैंने बनाया, सत्या में बोला। लेकिन जब हरीश देव जी हार गए तो जो हाई सेकेंडरी स्कूल थे वो भी हाई स्कूल हो गए इनके राज में। और ये बोलते हैं कि मैं डेवलपमेंट करा रहा हूं, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि कितना टाइम चाहिए था आपको? 4 साल दिए, लेकिन 4 साल में एक सिंगल प्रोजेक्ट आप रामनगर के लिए नहीं ला सके। जम्मू कश्मीर का बजट 15 दिसंबर को पेश किया जा सकता है। इस दिन राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सैक की मंजूरी के बाद राज्यपाल 16 या 17 दिसंबर को बजट बिल को मंजूरी दे सकते हैं। राष्ट्रपति शासन 19 दिसंबर को लगने से पहले राज्य के बजट को पेश करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। गत दिवस हुई सैक की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया गया। अब शनिवार को होने वाली बैठक में बजट पर मुहर लगाई जाएगी। पुलिस पर्सनल विक्टिम्स ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से एसआरओ 376 का हल निकालने और उन्हें पुलिस में जॉब्स देने की अपील की। इस संबंध में आज जम्मू में पुलिस पर्सनल विक्टिम्स ने कहा कि कुल 168 मामले ऐसे हैं जिनकी फाइल्स इस एसआरओ के तहत पेंडिंग थी, जिसमें से 58 मामले क्लियर हो गए हैं जबकि 48 फाइल्स पेंडिंग पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार ना होने के कारण उन्हें कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में राज्यपाल से अपील की कि इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि उनकी समस्या का निपटारा हो सके। पर्सनल केसेस को हल करो, हल करो। पुलिस केसेस पर्सनल को हल करो, हल करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से। आपके हाथ में कलम है इस वक्त। आप हम सफर कर रहे हैं, पिछले 5-4 महीनों से हम यहाँ पे सफर कर रहे हैं। हमारे फाइलें पेंडिंग है चीफ सेक्रेटरी साहब से एसआरओ 376 की। सो हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें टोटल ये केस थे 168 और 58 केस सालों हुए हैं। अब हमारी फाइलें चीफ सेक्रेटरी साहब से पेंडिंग है। हम रिक्वेस्ट करते हैं चीफ सेक्रेटरी से क्योंकि इस मसले को हल करें ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और आइए अब चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज दिन भर की हेडलाइंस पर। जम्मू संभाग के जिला रियासी के सुजगर गांव में सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत, 3 घायल। बारामूला में लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर। भाजपा ने गगन भगत को जारी किया अवमानना नोटिस, छवि खराब करने का आरोप। और 40 घंटे बंद रहने के बाद खुला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे व पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे 7+ चैनल। नमस्कार।